हेलो दोस्तों, मेरा नाम है आशीष। स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। आज हम बनाएंगे तंदूरी लॉलीपॉप बिना तंदूर के और बिना अवन के। दोस्तों, आपने लॉलीपॉप बहुत बार खाया होगा, जो कि हर इंडो चाइनीज रेस्टोरेंट में मिलता है। लेकिन आज जो हम लॉलीपॉप बनाने वाले हैं, वो आपने कभी नहीं ट्राई किया होगा। आप इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें, क्योंकि लास्ट में हम इसमें तंदूर जैसा स्मोकी फ्लेवर देंगे, इसलिए आप उसे मिस ना करें। और अगर आपको ये पसंद आए तो इसे लाइक ज़रूर करें, और नीचे जो लाल कलर का सब्सक्राइब बटन है उसे भी ज़रूर दबाएं। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं इसे बनाना। इसे बनाने के लिए हमें ये सारे इंग्रेडिएंट्स लगेंगे, इसे आप नोट कर लीजिए। सबसे पहले हम चिकन विंग्स को फर्स्ट मैरिनेशन करेंगे। उसके लिए मैंने यहाँ पे आधा किलो चिकन विंग्स ले लिया है। आधा किलो में आपको 10 से 12 पीस आराम से आ जाएगा। ये आपको कोई भी चिकन शॉप में इजीली मिल जाएगा। सबसे पहले हम इसमें सॉल्ट डालेंगे, एक चम्मच अदरक और लहसुन का पेस्ट, थोड़ा सा हल्दी, एक चम्मच चिल्ली पाउडर, आधा चम्मच गरम मसाला पाउडर। अब हम इन सबको हाथों से अच्छे से मिला लेंगे। इसे मिलाने के बाद हम इसे कम से कम एक घंटे के लिए रिफ्रिजरेटर में रख देंगे। ये देखिए, ये हो चुका है। इसे हम एक घंटे के लिए रिफ्रिजरेटर में रख देंगे। अब हम इसके लिए सेकेंड मैरिनेशन बनाएंगे। उसके लिए मैंने यहाँ पे एक बाउल ले लिया है, उसमें हम 3 चम्मच डब्बे वाला गाढ़ा दही डालेंगे। अगर हम इसमें पतला दही डालेंगे तो ये मसाला जो है वो चिकन को पकड़ेगा नहीं। 1 चम्मच अदरक और लहसुन का पेस्ट, और तंदूरी मसाले में बहुत ही इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट मस्टर्ड ऑयल यानी राई का तेल। मैंने यहाँ पे 3 चम्मच मस्टर्ड ऑयल ले लिया है। अब हम इन सबको अच्छे से मिला लेंगे। ये हो चुका है। अब हम इसमें थोड़ा सा ब्लैक सॉल्ट डालेंगे। इसी के साथ हम इसमें व्हाइट सॉल्ट भी थोड़ा डाल देंगे, आधा चम्मच इलायची पाउडर, थोड़ा सा कसूरी मेथी, इसे हम हाथों के बीच में रगड़कर इसमें डालेंगे, थोड़ा सा हल्दी, धनिया पाउडर, जीरा पाउडर, कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, गरम मसाला पाउडर। अब हम इसमें 1 चम्मच भुना हुआ बेसन डालेंगे। बेसन डालने से मसाला चिकन को अच्छे से पकड़ लेगा। अब हम इन सबको अच्छे से मिला लेंगे। हमारा तंदूरी मसाला रेडी हो चुका है दोस्तों। अब हम इसमें हमने जो पहले लॉलीपॉप मैरिनेट किया था उसे हम इसमें डाल देंगे। इसे हम हाथों से अच्छे से मिला लेंगे। इसे मिलाने के बाद हम इसे भी कम से कम 1 घंटे के लिए रिफ्रिजरेटर में रख देंगे। इससे हमारा चिकन जो है मसाले को अच्छे से अंदर तक खींच लेगा। ये हो चुका है। इसे हम फ्रिज में रख देंगे। ये देखिए दोस्तों, चिकन जो है वो मैरिनेट होके रेडी हो चुका है। अब मैंने यहाँ पे एक नॉनस्टिक पैन ले लिया है, जिसमें हम बिल्कुल थोड़ा सा ऑयल डालेंगे। जैसे ही ऑयल थोड़ा गर्म हो जाएगा, हम इसमें हमारा मैरिनेट किया हुआ लॉलीपॉप का पीस एक एक करके रख देंगे। हम इसे मीडियम लो फ्लेम पर पकाएंगे। इसमें तंदूर के जैसा स्मोकी फ्लेवर देने के लिए मैंने यहाँ पे कोकोनट का शेल ले लिया है।
जिसे हम करवंटी भी बोलते हैं, इसका हम दो छोटा टुकड़ा तोड़ लेंगे और इसे हम गैस पर जला लेंगे। अगर आपके पास कोयला अवेलेबल है तो आप उसे भी यूज़ कर सकते हैं, वरना आप इसे यूज़ कीजिए। लॉलीपॉप को हम चारों साइड से अच्छे से फ्राई कर लेंगे। इसे हम मीडियम लो फ्लेम पर ही फ्राई करेंगे, वरना इसका मसाला जो है वो जल सकता है और चिकन जो है वो अंदर से कच्चा ही रह जाएगा। ये देखिए, इसमें मस्त तंदूर जैसा कलर आने लगा है। ये देखिए, लॉलीपॉप जो है वो पक चुका है। अब हम इसे एक बाउल पर निकाल लेंगे और फिर इसे हम स्मोकी फ्लेवर देंगे। बाउल में हम इसे साइड साइड में निकालेंगे और बीच में थोड़ा जगह रख देंगे। ये देखिए, मैंने सारे लॉलीपॉप को इसमें निकाल लिया है। अब हम इसके बीच में एक छोटा सा बाउल रख देंगे, उसमें हमने जो नारियल का करवंटी जलाया था उसे हम इसमें रख देंगे। इसमें थोड़ा सा अजवाइन डालेंगे और फिर थोड़ा सा घी डालेंगे। जैसे ही हम इसमें घी डालेंगे, इसमें से धुआं आने लगेगा। आप देख सकते हैं कैसे इसमें से धुआं आ रहा है। इसे हम ढक्कन से ढक देंगे और कम से कम 10 मिनट के लिए इसे हम ऐसे ही छोड़ देंगे। इससे इसमें मस्त तंदूर जैसा स्मोकी फ्लेवर आ जाएगा। ये देखिए, 10 मिनट हो चुका है और हमारा तंदूरी लॉलीपॉप जो है वो रेडी हो चुका है। अब हम इसे एक प्लेट पर निकाल लेंगे। ऊपर से थोड़ा इसमें धनिया डालेंगे। हमारा तंदूरी लॉलीपॉप रेडी हो चुका है दोस्तों। इसे आप अपने घर पे एक बार ज़रूर ट्राई करें। और अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई तो इसे लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।